Good evening, kids. Welcome to Learners Academy. Okay, students. So today I came across a question. Actually, one of my students asked a question from me. Uh, the question was from polynomial chapter, class 9th. Polynomial chapter, class 9th. Although I could recognize the question, इज ऑल्सो आस्क इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स ऑल्सो कि बहुत सारे जो एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम्स या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पोलिनॉमल चैप्टर से क्वेश्चन है सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन है ना तो इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना होगा तो मैं एक बार क्वेश्चन नोट डाउन ऊपर कर देता हूँ देखो हमको क्या क्या गिवन है वॉट ऑल वी आर गिवन इज द्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फिफ्टीन दिस इज द वन थिंग विच इज गिवन एंड द अदर थिंग विच इज गिवन इज दैट The value of the value of the value of a square plus b square plus c square equal to eighty three these two things have been given these two things have been given these are the given things or i can say the given points we right? given points given equations given polynomials anything okay and we are required to find the value of this one you can see भाई ये दोनों गिवन है एंड इस पॉलीनॉमल की वैल्यू निकालनी है या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है सो बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वो भी मैं इधर नोट कर लूंगा फिर उसके बाद पूरी स्क्रीन में ट्रांसपेरेंट करूंगा तो क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्वेश्चन मार्क ये मुझे निकालना है ओके okay. तो सेट हो गया ओके okay. अब इसको डिस्कस करते हैं तो ये दो चीजें तो हैं गिवन एंड ये मुझे निकालना है ठीक है चलिए तो इसको निकालने के लिए पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा जो मुझे चीज चाहिए मैं रिकॉग्नाइज करूंगा वो किस आइडेंटिटी से मैच करती है मुझे ये चीज चाहिए मुझे क्या चाहिए ये चीज चाहिए तो ये चीज किस आइडेंटिटी से मैच करती है वो सोचने के लिए वो कौन सी आइडेंटिटी है वो

बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस Not plus, it is minus, <coughs> minus AB. <coughs> Sorry, minus BC and minus CA भी लिख सकते हैं या minus AC भी लिख सकते हैं. AC लिख दो, AC ये लिख दो. चलो, CA लिख देते हैं, minus CA. उसी फॉर्म में बच्चे अक्सर याद करते हैं ना तो ये आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है और इसके अंदर मुझे ए क्यू प्लस बीक्यू प्लस सी क्यू माइनस सी बी सी की वैल्यू निकालनी है that means, that means basically मुझे इस एल एच एस पार्ट की वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये मुझे पता लगानी है इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे ऊपर दी हुई दो इन्फॉर्मेशन का सहारा लेना है ओके okay, तो यू कैन इजिली रिकॉर्ड इजिली क्लियरली सी दैट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो फिफ्टीन की बने देखो साफ साफ दिया हुआ है ये वैल्यू तो A plus, B plus, C की जगह में 15. अच्छा वन मोर थिंग कई बच्चे इस आइडेंटिटी को ये माइनस थ्री एबीसी वाली टर्म है ना इसको आर एच एस में लेके जाके याद करते हैं तो वैसे भी ये आइडेंटिटी दो तरीके से चलती है एक बार ये एबीसी की टर्म एल एच एस में एक बार ये थ्री एबीसी की टर्म आर एच एस में तो वेन इट कम्स टू एल एच एस इट इज नेगेटिव फॉर्म एंड वेन इट कम्स वेन इट गोस टू आर एच एस जब इसको आर एच एस में रिकॉग्नाइज या रिकॉल करते हैं तो ये माइनस सी ए बी सी इधर आके क्या हो जाता है बट ऐसा अभी हम इस वाले क्वेश्चन में हम माइन थ्री एबीसी को एल एच एस में ही रखेंगे उसका रीजन क्योंकि हमसे जो पूछा गया है हमसे जो पूछा गया है वहां पे भी माइनस थ्री ए बी सी यू कैन सी हमसे जो पूछा गया है उसमें माइनस थ्री एबीसी इन्वाल्ड है तो इसकी भी वैल्यू चाहिए मतलब एक क्यू प्लस प्लस की वैल्यू नहीं चाहिए एक क्यू प्लस प्लस माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए अगर ए क्यू प्लस प्लस की वैल्यू चाहिए होती तो फिर माइनस थ्री ए बी सी को हम आएचएस में रखते ठीक है होपफुली समझ में आ गया होगा आपको ठीक है चलो तो कहां थे हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो वी कैन इजीली टेक द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 15 टू तो पे नोट डाउन कर देता हूँ चलो करते हैं जितना कर पाते हैं एक बार करते हैं फिर देखते हैं तो लेट्स से ये तो हो जाएगा फिफ्टीन इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर ये वैल्यू भी है मेरे पास ध्यान से देखें ध्यान से देखें ये वैल्यू भी है ये रही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहां से लेके यहां तक की वैल्यू यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यू तो एटी थ्री है चेक करो ए स्क्वायर प्लस बी गिवन है इन तीन टर्म्स के का सम हमको है। का सम है ना। है? तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे 83 थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्सर की जगह मैं क्या लिख दूंगा एटी थ्री फाइन अब चलते हैं आगे आगे क्या बचा है एक बार मैं नोट कर देता हूँ आगे क्या बचा है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तो हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है इसकी वैल्यू को हमने इसकी वैल्यू को हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं इसकी वैल्यू तक फिफ्टी हमने नोट कर लिया है एटी थ्री हमने नोट कर लिया है गिवन पॉइंट्स में से बस सर बस सर इसकी वैल्यू बता दो इसकी वैल्यू बता दो ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमारे पास मिल जाए तो उसकी वैल्यू को टप करके पूरा जो <coughs> पूरी जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो एक काम करते हैं अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो ऊपर जो दो गिवन पॉइंट्स थे 15 एटी 83 ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू 15 नाइन ए स्क् प्लस बीक् प्लस स्क्वाय इक्व टू एटी वो दोनों हेल्प करेंगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कौन से एक्सप्रेशन की माइनस ए पी माइनस बी सी माइनस ई तो एक काम करता हूं मैं पहला वाला जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फिफ्टीन फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर दूँ इसको एक बार मैंने पेंडिंग छोड़ दिया ना चलो इक्वल टू लगा के पेंडिंग छोड़ दिया एक दो लाइने छोड़ के नीचे आ जाओ ना देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है फिफ्टीन मैं क्या करूंगा दोनों साइड्स स्क्वायर कर दूंगा क्यों स्क्वायर क्यों कर रहा हूं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं आपको पता होगा कि हमको जब दो इक्वेशन गिवन होती हैं तो हम उन दोनों को आपस में जब सॉल्व करते हैं तो हम एक इक्वेशन को दूसरे की शक्ल में या दूसरी इक्वेशन को पहले की शक्ल में, में पहले के फेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो दूसरी इक्वेशन है वो स्क्वायर फॉर्म में है पहली इक्वेशन लीनियर फॉर्म में तो लीनियर को स्क्वायर करने का तरीका यही है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो मैं क्या कर देता हूँ इसको ना कि एक पॉलीनॉमिल है बट इसको एक इक्वेशन मानते हुए मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देता हूँ तो मी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू होपफुली आपको पता होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं तो उसकी वैल्यू होती है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी इक्वल टू अच्छा फिफ्टीन का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए टू ट्वेंटी फाइव फाइन okay, अब ए स्क्वायर प्लस बी वैल्यू तो एटी थ्री है देखो फिर से अपने को उसको यूज करना है जब जैसे अपने यहाँ पे यूज किया था वैसे अपने यहाँ पर भी वो वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी को यूज करना है तो नोट डाउन करता हूं मैं इसके आगे स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई मेरी प्लस में से 2 को कॉमन ले लू तो अंदर बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस एसी इक्वल टू हो जाता है टू ट्वेंटी अब मैं यहाँ पे मेरा स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो या फिर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले 83 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 83 पॉजिटिव है तो ये उधर जाके ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव ठीक है चलो सॉल्व करो What What is 225 minus 83? What is 225 225 83? 83? It will be equal to 5 में से उधर जाके हो गया माइनस आर एच एस में एल एच एस आर एच एस में जब चीज जाती है तो रिवर्स हो जाती है मतलब फंक्शन अपोजिट हो जाता है अगर एडिशन फंक्शन है तो नेगेटिव फंक्शन सब्ट्रैक्शन फंक्शन हो जाता है तो अब जो ये टू है इसको भी वहां पर भेजना क्यों भेजना है क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना है आइसोलेट मतलब इसको अलग रखना है एबी प्लस बीसी प्लस ए सी को मुझे एक साइड रखना है तो इसलिए इसके इर्द गिर्द की चीजों को मैं उधर भेज रहा हूँ तो इससे मल्टीप्लीकेशन साइन से कनेक्टेड है इसके बीच में कुछ साइन दैट मीनस ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड तो टू अगर मैं इधर से काट दूं तो उधर जाके वन फोर्टी टू से हो जाता है डिवाइड सो इट इज इक्वल टू वॉट

ंग वेल टूडे और चलो प्लीज मैनेज अगर कोई चीज समझ में आया तो प्लीज फिर से पूछ सकते हो अब है ना ओके देखो तो एक चीज समझो बेटा अगर एक्स की वैल्यू लेटस एक्स की वैल्यू थ्री है तो ऑब्वियस बात है माइनस एक्स की वैल्यू माइनस थ्री होगी माइनस आई नहीं लग गया तो वैल्यू में भी माइनस लग जाएगा तो क्लियर सी बात है कि देखो अगर यहाँ पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव है और वैल्यू सेवनटी वन आ रही है तो तीनों टर्म्स नेगेटिव होंगे तो वैल्यू नेगेटिव सेवनटी वन आएगी आएगी नहीं आएगी अच्छा ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो लेटर से अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया कोई बात नहीं देखो फिफ्टीन अपनी जगह एज इट इन टू ये वैल्यू अब यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू ऊपर फिट करेंगे अपन है ना एट्टी थ्री एज इट इज एक काम तो कर ही सकते हो शायद अब इतना तो हर कोई समझता है कि ये काम तो सर हम कर ही सकते हैं कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया या ऐसे कहूँ माइनस वन को कॉमन ले लिया माइनस साइन को कॉमन ले लिया या माइनस वन को कॉमन ले लिया बात एक ही है सो वी विल गेट वॉट रिमेनिंग क्या बचेगा अंदर ए बी प्लस वन ए बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये बच जाता है अंदर ठीक है ये ब्रैकेट को मैं कर देता हूँ ठीक है अब देखो माइनस साइन कॉमन लेते हैं अब तो ये तीनों टंस पॉजिटिव हो गए ए बी बी सी सी ए तो अब तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ये सेवेंटी वन यहाँ पे कॉपी करोगे कि नहीं करोगे अब तो करोगे करोगे ना भाई अब तो करोगे ना ठीक है तो कर दो इट विल बी लाइक फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू एटी थ्री ए प्लस बी सी प्लस ए की वैल्यू आ गई है आगे फर्दर सोल्व करूं इसके आगे कर देते हैं तो ट्वेल्व आंसर इज ट्वेल्व इंटू फिफ्टी ट्वेल्व फाइवी रिमाइंडर सिक्स ट्वेल्वीन सो आंसर इज वन एन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इज 180. जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी है उस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू है 180. ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सबसे पहले तो Uh, ये आइडेंटिटीज अच्छा कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मैन सी वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि, कि वो इस तरीके से एक्सपेंड होती है सबसे पहली चीज दूसरी चीज आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि वो इस तरीके से एक्सपेंड होती है ये दो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देन उसके बाद फिर आपको ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी ये सोचना आना चाहिए कहाँ से मिलेगी इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करने से आपस में सोल्व करना मतलब इसका होल स्क्वायर करके और इसके टर्म्स के अंदर उस

नहीं तो कोई ऐसा ना समझे कि शायद ए सी अलग है सी अलग है सब जानते हैं ना भाई ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए कॉम्पिटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है कॉम्पिटेटिव होता है रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ओके सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सेवेंटी वन ये वैल्यू हमने एज इट इज एज इट इज यहाँ पे पुटअप कर दी ठीक है ना अब अब मैं कह रहा था ना आपको देखो इसकी वैल्यू माइनस सेवेंटी वन आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं उनके सम की वैल्यू सेवेंटी वन है तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये हम चाहते हैं थोड़े से अगर अपन एडवांस हैं तो अपन इसकी वैल्यू सीधे माइनस सेवेंटी वन रख सकते हैं इसकी वैल्यू अपन सीधे माइनस सेवेंटी वन रख सकते हैं ना अगर अपन थोड़े से एडवांस है और नहीं है मान लो अभी बिगिनर है या थोड़ी मैथ्स कमजोर है तो क्या करो स्टेप बाय स्टेप करो माइनस को कॉमन ले लो हो गया, हो गया, अब ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा अब सेवेंटी वन लो तो सेवेंटी वन रखते ही पीछे माइनस को लगा हुआ है ना तो अल्टीमेटली आया तो माइनस ठीक है तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मतलब इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा uh, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स बाई कमेंटिंग ऑन द वीडियो और यू कैन टेक द कॉन्टेक्ट नंबर यू कैन आस्क द कॉन्टेक्ट नंबर इन कॉमेंट बॉक्स आप अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है बात करने में तो फिर मैं मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर उस तक उसको दे दूंगा तो यू कैन कमेंट फॉर दैट ऑल्सो ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय बाय